अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा मॉडल मेकअप लुक का कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और ग्लिटर लाइन लगाने का ट्यूटोरियल भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। ये मेरी मॉडल का भी फोल्ड लुक है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो है ना, ये मेरी रियल वाली क्लाइंट है। इनको परमिशन थी सामने आने की, तो मैंने सोचा कि मैं इनका ट्यूटोरियल शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर मून टच का जो है ना सीरम 24 के गोल्ड सीरम अप्लाई कर रही हूँ। इससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है बहुत अच्छी, और इसके 5 मिनट के बाद आपने मेकअप करना स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास रिवाज का पोरलेस मैटिफाइंग प्राइमर है, जिसके साथ हम बहुत अच्छे से अपने स्किन के जितने भी ओपन पोर्स हैं या फिर बम्पी स्किन है ना, उसको हम बिल्कुल स्मूथ करेंगे, ताकि हमारी बेस जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल जो है ना स्मूथ बने। उसके बाद मून टच का ही मेरे पास कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर में। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, आप इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। उसको मैं अपनी फिंगर के साथ ही मेरे फेस पे जितने भी मेरे मॉडल के फेस पे जितने भी अनइवन टोन है उसको हम इवन करेंगे इस करेक्टर के साथ, और इसको हम फिंगर के साथ ही ब्लेंड आउट करेंगे। और फिंगर के साथ ब्लेंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, फिंगर्स लाजमी ट्राई किया करें मेकअप में। और इसको थोड़ा सा हम जो है ना लूज़ पाउडर के साथ प्रेस करेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो हमारे कलर करेक्टर के साथ मिक्स ना हो और एक्स्ट्रा पाउडर हम डस्ट आउट कर देंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर हुदा ब्यूटी की 2 फाउंडेशन हैं, एक चाय शेड है, एक मिल्क शेक शेड है। अच्छा जी, तो ये फाउंडेशन मिक्सिंग ट्रे जो है ना, ये मैंने दराज ऐप से ऑर्डर की थी। जैसा कि आपको पता है कि दराज 12-12 सेल जो है वो लाइव है, और 23 दिसंबर तक ये सेल जो है ये लाइव रहेगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप लाजमी जो है ना वहाँ विजिट कीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है दराज 12-12 सेल का। अच्छा, मैंने इन दोनों फाउंडेशंस को जो कि मैंने आपको दिखाई थी, मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके और फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। इक्वल नहीं, जो डार्क वाली फाउंडेशन थी वो ज़्यादा थी, जो लाइट वाली फाउंडेशन थी वो थोड़ी सी कम थी। दोनों को मिक्स करके हम मीडियम सा टोन बना लेंगे, ताकि हमारी जो स्किन है उसके हिसाब से बेस जो है वो बैठ जाए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, और अगर डार्क लगाएंगे तो ऑब्वियसली फाउंडेशन लगाने के बाद भी हमारा कलर जो है वो डार्क लगेगा। और यहाँ पर जी बेस फिक्स होने के बाद हम इसको फिक्स आउट करेंगे, जिसके लिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। क्रायलॉन का ट्रांसल्यूशन पाउडर है TL11 शेड, और इसके साथ हम जो है ना छोटा सा मिनी ब्रश लेंगे और उसको हम डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड फाउंडेशन जो है ना वो हम डैब डैब करके ही अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर आपने जब तक वो फिक्स नहीं हो जाती, जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है डैब डैब करके ही अप्लाई करनी है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो हम फैन ब्रश के साथ डस्ट आउट कर देंगे। उसके बाद ही हम चलते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। सो यहाँ पर मेरे पास है क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट। सो इसके लिए हम जो है ना मार्जिन लाइन के लिए एक ब्रश की टेल यूज़ कर रहे हैं। उसको आप इस तरह से रखोगे अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग, और इसके आप ऊपर जो है ना आप कंटूरिंग लगानी जो है वो स्टार्ट करोगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट टिप है। अगर आपको जो है ना दोनों साइड्स पर मार्जिन करने में इशू आता है, तो आप इस तरह से किसी भी ब्रश की टेल यूज़ कर सकते हो। सेम कलर को एज अ ट्रांजिशन शेड में आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से आइज़ को स्ट्रेच करेंगे ऊपर से, ताकि आपको क्रीज लाइन नजर आए, फिर आप इसके ऊपर कंटूरिंग करोगे। मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। अच्छे से आईब्रोज को डिफाइन करने के बाद हम जो है ना इसको स्पूली के साथ नीट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आइज़ पर मैं जो है ना एक बहुत डार्क सा ब्राउनिश सा कलर है, थोड़ा रेड टोन की तरफ है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ आई ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ आइज़ के ऊपर। दोनों साइड्स पर हम बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे, और बहुत अच्छे से हम इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे, जब तक कि हमारा ये कलर जो है ना ये ऊपर वाले ट्रांजिशन शेड के साथ थोड़ा सा मर्ज नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मेरी ही ब्रांड का वेलवेट शेड, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा पिगमेंटेड नज़र आए तो आप इसको थोड़ा सा वेट करके, मतलब वेट ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मैं जो है ना ग्लिटर लाइन अप्लाई करूँगी, तो ग्लिटर लाइन अगर आपने अप्लाई करनी हो तो कोशिश किया करें कि आई मेकअप आपका जो है ना वो जस्ट लिमिटेड कलर्स के साथ हो, बहुत ज़्यादा भरा हुआ आई मेकअप नहीं होना चाहिए। वैसे होगा तो प्यारा ही लगेगा, लेकिन अगर लाइट कलर होगा तो ग्लिटर लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा एनहेंस्ड जो है ना वो नज़र आएगी। और हाइलाइटर भी मैंने अपनी ब्रांड का ही यूज़ किया है। अभी यहाँ पर जी मेरी अपनी ब्रांड का ही ग्लिटर है, डल गोल्डन शेड है 22 नंबर। अच्छा, मेरे ब्रांड के ग्लिटर्स, वेलवेट शेड, सीलर या फिर आईलैशेस, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा 03034940403। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है ना इन्हें ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। अभी जी ऑफ चल रहा है इनके ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि 12-12 सेल भी चल रही है, और कुछ इनका स्टार्ट था, दरअसल मैंने इनके ऊपर सेल लगाई हुई है। तो आप इनको लाजमी परचेज़ करें, आपको अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। दोनों आइज़ पर इक्वली लाइन अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर आइज़ को बंद रखेंगे, ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो लाइनर अप्लाई करूँगी। अच्छा, मैं ग्लिटर्स के लिए एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने जब आप होल आइज़ पर ग्लिटर लगाना होता है ना, तो या तो आप सीलर को अंदर मिक्स कर लेते हो, या फिर आप सीलर की लेयर लगाते हो उसके ऊपर ग्लिटर फिक्स करते हो,
किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपने बहुत कम सीलर यूज़ करना है, लाइक जस्ट आपने वन ड्रॉप लेना है, छोटा सा वन ड्रॉप, और उसको आपने दोनों आइस पर डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ड्रॉप एक ही आइस के ऊपर लगा दो, क्योंकि सीलर की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका ग्लिटर जो है वो स्टे करेगा, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका ग्लिटर जो है वो फॉल आउट होगा, डस्ट आउट होगा, तो आपने ये नहीं करना। अच्छा, आइस के नीचे मैं जो है वो ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ काशियस ब्रांड का, और अपनी लैश को वॉल्यूम देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलो एसएसएल मस्कारा, जिसके साथ जो कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ में, आजकल मेरा फेवरेट मस्कारा है ये। इसके अलावा मेबेलिन का दी फॉल्सेस मस्कारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। इंशाल्लाह वो ऑर्डर करेंगे फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और जो यहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज फील हो रही होगी, कुछ मैं अभी सो के उठी हूँ और कुछ जो है ना मेरा गला ख़राब होने को है और ज़ुकाम भी होने को है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी अप डाउन आप लोगों को फील हो रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर जी हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया था, अब हम यहाँ पर जो है वो ब्लश अप्लाई करेंगे। और लैशेज मैंने अपनी ब्रांड की ही यूज़ की हैं, ये भी आप सेम नंबर पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, ठीक है। एक ही नंबर है मेरा 03034940403, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी चीज़ आपको ऑर्डर करनी है मेरी ब्रांड की या अदर ब्रांड्स की भी कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हो। और यहाँ पर जी फेस स्टूडियो का हाईलाइटर है मेबेलिन का, जिसको मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ फेस को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसका कलर इतना मज़े का है कि आपका फेस बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि आपने अलग से हाईलाइटर अप्लाई किया हुआ, बिल्कुल ग्लास लाइक लुक आती है आपके फेस की। तो इसके साथ हम प्रॉपर जो है वो ब्लश नहीं हाईलाइट करेंगे फेस को, ताकि हमारा फेस बहुत खूबसूरत और ग्लॉसी लगे। इसके अलावा गिब्रिने का हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा हाईलाइटर हो जिसके अंदर 2-3 डिफरेंट शेड्स होने चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, तो आप गिब्रिने का हाईलाइटर ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आपको पता है कि मैं पहले वही यूज़ करती थी। उसके बाद यहाँ पर गिब्रिने की लिप पेंसिल है मेरे पास, जिसके साथ हम प्रॉपर जो है ना लिप की शेपिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम ग्लॉस लगाएंगे। तो ग्लॉसेस के लिए अगर आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्लॉसेस परचेज नहीं कर सकते तो आप एमएलई के ग्लॉसेस ट्राई करो, उसका पूरा पैक ले लो आप, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं और जितने का काशिश का एक ग्लॉस आता है ना उतने में वो पूरा पैक आ जाता है, और जितने में आप लाइक मुसरत मिसबाह किस तरह से ग्लॉसेस लेते हो ना, जहाँ पे वो 2-3 ग्लॉसेज आपने लेने हैं 2-3 कलर्स में, वहीं आपको सारा पैक मिल जाना है इसका एमएलई के ग्लॉसेज का। तो आप लाजमी ट्राई करें, ये भी आपको मेरे नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करेंगे तो मिल जाएंगे लिप पेंसिल भी। इसके अलावा गिब्रिने की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे, जो नंबर मैंने आपको दिया है अपना ऑफिशियल नंबर वहाँ से। सो जी लिपस्टिक हम लगा रहे हैं, इसके साथ ही फाइनल लुक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हमारे रियल वाले क्लाइंट हैं, और आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये कैसी लग रही हैं, इनका लुक किस तरह का लग रहा है, और जिस तरह का इन्होंने ड्रेस पहना हुआ था ना उसके साथ ये वाला लुक बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि फ्रोजी कलर का ड्रेस था तो फ्रोजी कलर की अगर हम आई साथ बना देते ना तो वो थोड़ा अजीब लगता कि लाइक आईज फ्रोजी कलर जो है ना वो आईज पर बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, ठीक है। वो ज़्यादातर जो है ना वो मॉडल लुक की तरफ चला जाता है, एक्स्ट्रा मॉडल लुक की तरफ चला जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आईज के ऊपर फ्रोजी कलर या फिर वो शार्प येलो या शार्प ऑरेंज कलर जो वो अप्लाई करवाते हैं। और आप लोगों ने जी मुझे ज़रूर बताना है कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा और कितना आसान था ये, और आप भी इसको इजीली कैरी कर सकते हो, आप भी इसको इजीली जो है वो कर सकते हो इस मेकअप लुक को, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी मुश्किल स्टेप जो है वो इसमें आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और जी मैं अगेन आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि दराज 12-12 सेल जो है वो 12 तारीख से लाइव हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, जिसमें आपकी ग्रोसरी आ जाती है, जिसमें आपके फुटवेयर आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, ज्वेलरी आ जाती है, और डेकोरेशन का सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक मशीन सब कुछ जो है ना वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो आप लाजमी फ़ायदा उठाएं, और आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो शॉप की रेटिंग्स चेक किया करें, शॉप पे रिव्यूज़ चेक किया करें उस प्रोडक्ट के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट आपको एज इट इज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही क्यूरी होती है कि दराज से जब भी चीज़ मंगवाते हैं ख़राब आती है, तो इसकी यही वजह है कि आप रेटिंग्स वगैरह चेक करके नहीं ऑर्डर करते। जिस शॉप पे जो है ना 3.5 प्लस रेटिंग होती है ना, 3.5 से 5 तक, तो वो शॉप जो है ना वो ऑथेंटिक चीज़ें ही भेजेगी आपको। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।